हेलो दोस्तों, बायोलॉजी क्विज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस की जाएंगे टॉप 20 बायोलॉजी जीके क्वेश्चन और उन सभी के आपको आंसर देने हैं विद इन 5 सेकंड में कमेंट के माध्यम से आपको आंसर देने हैं। इसी तरह की और भी आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है निमेटोड, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है दूध खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेचिस, ऑप्शन नंबर बी है दमा, ऑप्शन नंबर सी है कुष्ठ, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुष्ठ रोग है वो होता है जीवाणु संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो ए ऑप्शन है इवानोवस्की ने, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी है लिनियस ने, ऑप्शन नंबर डी है स्मिथ ने। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इवानोवस्की ने की है सर्वप्रथम विषाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मिल स्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी है लुईस पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी है खमीर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है अविषाणु, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शैवाल होता है वो स्वपोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ज्वार में, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना में, ऑप्शन नंबर सी है चावल में, ऑप्शन नंबर डी है मूंगफली में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मूंगफली के अंदर होने वाला रोग है जिसका नाम है टिक्का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी है आश्चर्य रोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, आश्चर्य रोग होता है HIV द्वारा होने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर सी है चेचक, ऑप्शन नंबर डी है पीलिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, चेचक जो रोग है वो होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओडोगोनियम से, ऑप्शन नंबर बी है यूलो
थिक्स से, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोकार्प से, ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेरिया से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, लेमिनेरिया से प्राप्त होती है हमें आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है विषाणु से, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु से, ऑप्शन नंबर सी है यीस्ट से, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणु के कारण पैदा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है विषाणु में, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल में, ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, विषाणु के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है हेजा, ऑप्शन नंबर बी है पेचिस, ऑप्शन नंबर सी है मम्स, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोफोबिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से होने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है संचार प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर सी है कवक जनित रोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, विषाणु जनित रोग है जिसका नाम है सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है विषाणु, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणु के कारण होने वाला रोग है खसरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए है फफूंदी, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है विषाणु। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, विषाणु के कारण होता है आलू में मोज़ेक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, मतलब जानवरों के अंदर पैर के अंदर और जो मुंह पे जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी है इन सभी के कारण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है जानवरों के अंदर फुट और मुंह पका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्यूटीन की, ऑप्शन नंबर बी है काइटिन की, ऑप्शन नंबर सी है सुब्रेन की, ऑप्शन नंबर डी है सेलुलोज की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सेलुलोज की बनी होती है शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्प प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है लाइकेन्स से, ऑप्शन नंबर बी है समुद्री शैवालों से, ऑप्शन नंबर सी है जलीय शैवालों से, ऑप्शन नंबर डी है शैवालों से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुद्री शैवालों से प्राप्त होती है हमें केल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है मांस की उपस्थिति,
ऑप्शन नंबर बी है लाइगेंड की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु की उपस्थिति। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग कैसा होता है? लाल। तो दोस्तों आज का ये बायोलॉजी क्विज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। दोस्तों